हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही हेल्दी फूड की रेसिपी, और वो है वेजिटेबल मसाला ओट्स, जो मैं प्लेन ओट्स का यूज़ करके बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने लिया है सफोला का प्लेन ओट्स और कटी हुई सब्जियाँ, जिसमें मैंने ली है कैप्सिकम, बीन्स, गाजर, बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ और कड़ी पत्ता। आप चाहें तो मटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, पालक, ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। मसाले में मैंने ली है हल्दी पाउडर, दालचीनी पाउडर, थोड़ी सी भुनी हुई जीरा की पाउडर, स्वादानुसार नमक, और मैंने इसमें सोया चंक्स भी यूज़ किया है। तो चलिए सबसे पहले हम सोया चंक्स की तैयारी कर लेते हैं। सोया चंक्स में हम उबलता हुआ पानी डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए छोड़ के और फिर अच्छी तरह से साफ़ कर इसे सारा पानी निकाल देंगे। और ये मैंने सोया चंक्स को साफ़ करके इसे रेडी कर लिया है। अब हम पैन गर्म करेंगे। हमारी पैन गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें ओट्स को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये आपको बिना ऑयल के बनानी है और इसे हम 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब ये लगभग रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये हम जो रेसिपी बना रहे हैं ये विदाउट ऑयल बना रहे हैं। तो अब हम अपने पैन में पानी ले लेते हैं। इस पानी को हमें उबाल लेना है। ये मैंने पानी ले लिया है। अब इसे उबलने देते हैं। पानी उबल चुका है। अब हम इसमें अपने सारे मसाले डाल देते हैं। हल्दी पाउडर, थोड़ी सी दालचीनी, भुनी हुई जीरा का पाउडर और स्वादानुसार नमक। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए लो फ्लेम पे। अब हम इसमें अपनी सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि वेजिटेबल्स अच्छी तरह से पक जाए। ओट्स फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी रेसिपी भी बहुत इजी है। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसे विदाउट ऑयल ही बना रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेना है। 2 मिनट इसे अच्छी तरह से पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सोया चंक्स। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप मिनी सोया चंक्स भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो सोया ग्रैन्यूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें अपनी रोस्ट की हुई मसाला ओट्स को डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें बारीक कटी हुई टमाटर और करी पत्ता भी डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहिए और ये हर एज के लोगों को बहुत ही पसंद आती है। आप इसे अपनी डेली की मील में ऐड कर सकते हैं और इससे इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होती है। और ये देखिए सारा पानी ओट्स में एब्जॉर्ब हो चुका है और हमारी वेजिटेबल्स भी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो मतलब ये हमारी रेडी हो चुकी है। और ये हमारा वेजिटेबल मसाला ओट्स बनकर रेडी है, और वो भी विदाउट ऑयल। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।